हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ शिमला में और अब शिमला से हम मूव करेंगे किन्नौर की तरफ। रिकांगपियो हमने पहुँचना है, करीब 225 किलोमीटर यहाँ से है और 6 घंटे जो 30 मिनट का सफ़र हमें गूगल बता रहा है, तो देखते हैं कितना सफ़र होता है और हम आपको बताते हैं कि बीच रास्ते में क्या क्या कौन कौन से स्थान आएंगे। दोस्तों, किन्नौर के सफर में हम पहुंच चुके हैं रामपुर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रामपुर शहर है और बीच में बहती सतलुज नदी है। हम लगभग आधा सफर पूरा कर चुके हैं और अभी 3 घंटे से थोड़ा अधिक सफर है। इसके बाद हम किन्नौर में एंटर करेंगे। ये फिलहाल शिमला का ही एक पार्ट है और शिमला से आगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों हम रिकांगपिओ पहुंच गए हैं। शिमला से हमें यहां तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगा है। काफ़ी अच्छा रोड था और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो चलिए अब घूमते हैं रिकांगपिओ और उसके बाद आपको दिखाते हैं कल्पा। कल्पा के बाद हम सांगला वैली आपको बताएंगे और भी खूबसूरत नज़ारे बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों रिकांगपिओ से कल्पा की दूरी 8 किलोमीटर है। बहुत सुंदर गांव है जो रिकांगपिओ से ठीक ऊपर की पहाड़ी पर है। कभी किन्नौर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो कल्पा ही था। कल्पा में बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर, बुद्धिस्ट टेंपल और काफी सुंदर नजारे हैं। इसके अलावा एक रोचक बात है इस गाँव की कि जो भारत के पहले मतदाता है श्याम शरण नेगी जी, उनका घर भी कल्पा में है। दोस्तों अब हम कल्पा से निकल चुके हैं सुसाइड पॉइंट के लिए। सुसाइड पॉइंट किन्नौर का एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और ये कल्पा से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोगी गांव को जाने वाले सड़क पे है। इसे सुसाइड पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक विशाल पहाड़ को बीच से काट कर बेहद संकर जो मार्ग है वो बनाया गया है और यहाँ पर जो है नीचे काफ़ी गहरी खाई है और ऊपर विशाल पहाड़ है। सड़क बेहद संकरी है। ऐसे में यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए पॉइंट देखने लायक है, लेकिन यदि आपको ऊंचे पहाड़ों से और गहरी खाई से डर लगता है तो इस पॉइंट पर सोच समझ कर आएं। इसके अलावा अगर आपको पहाड़ में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी यहाँ खुद गाड़ी लेकर ना आएं।